Hello everyone, welcome back to an official channel of Broadway A2E Academy. My appellation is Dipali and now I am going to anticipate some of the predictions related to 23rd of December IELTS exam. तो 23rd ऑफ जो दिसंबर को होने वाला आईएलटीएस एग्जाम है वो स्पेशली एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए है और ये लास्ट एग्जाम रहेगा इस मंथ का और इस ईयर का भी. तो चांसेस है कि दिस टाइम जो एग्जाम रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा. अगर आपने अभी तक एग्जाम नहीं फिल किया है तो आपके पास ये बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप ये एग्ज़ाम फिल कर सकते हो. अगर हम बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या आपको प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज़ डिस्कस करेंगे. लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो चलिए डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस अबाउट लिसनिंग मॉड्यूल. सो इन योर सेक्शन वन बेसिकली देयर आर चांसेस दैट यू विल गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यू हैव टू राइट योर आंसर इन नो मोर देन वन वर्ड विच इज जो स्पेशली आपके रिलेटेड होंगे ब्लैंक्स के साथ. और सेक्शन टू आपका बहुत ईजी रहेगा, शॉर्ट एमसीक्यूज रहेंगे. चांसेस हैं कि अगर उसमें मैप आने के, वैसे तो मैप नहीं आएगा बट येस अगर थोड़ा सा 0.12% के आपके चांसेस हैं कि मैप आने के. और आपको साथ साथ प्रिपेयर रखना है स्पीकर मैचिंग, स्पीकर्स को मैच करना होगा आपको. और अगर हम बात करते हैं सेक्शन थ्री की, सेक्शन थ्री में एज एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ही रहेंगे जो एकेडमिक कंटेंट के ऊपर रहेंगे. और सेक्शन फोर में सिंपल ब्लैंक्स होंगे. थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज रहेगी बट इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे क्योंकि उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो रहेंगी नो मोर देन वन वर्ड. एंड अगर हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल यानी कि अपने रीडिंग मॉड्यूल में, तो रीडिंग मॉड्यूल में इस टाइम चांसेस है कि एक पैसेज आर्ट्स के साथ रिलेटेड होगा जो जर्नलाइज्ड टॉपिक कवर करेगा, एक कॉन्टेक्स्ट बिजनेस के साथ एसोसिएटेड होगा और एक कॉन्टेक्स्ट जो होगा आपका पैसेज आपका साइंटिफिक टेक्स्ट और टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएटेड होगा. और किस तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, पैसेज वन के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. सेकेंड जो है आपका पैसेज उसमें आ सकते हैं आपको एमसीक्यूज, एमसीक्यूज के साथ आपको ब्लैंक्स आ सकते हैं जो कि समरी बेस्ड होंगे और समरी बेस्ड के साथ आपको कंप्लीट द सेंटेंस एंडिंग्स आ सकती हैं. और रही बात आपके लास्ट पैसेज की, इन योर लास्ट पैसेज देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन अकर. एक जो आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा वो ब्लैंक्स के साथ एसोसिएटेड होगा. Another type of question जो होंगे वो उसमें होंगे yes, no and not given type of questions. लेकिन उसमें एक chances है कि आपको यहाँ पे जो which paragraph contains the following information है वो वाले type of questions भी इस reading में आपके पाए जा सकते हैं. अगर हम overall reading का scenario देखें तो reading आपकी quite easy रहेगी, बहुत easy से आपको answers, easily आपको answers मिल जाएंगे, तो आप अपना ये exam भर सकते हो. और अगर हम बात करते हैं राइटिंग मॉड्यूल के बारे में, तो टास्क वन में दिस टाइम प्रोसेस चार्ट और एनी डेटा रिप्रेजेंटिंग चार्ट के आने के चांसेस है. टास्क टू में आपके पास तीन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, डू यू अग्री और डिसएग्री, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, या फिर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. डिपेंड करता है क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, ईदर यू हैव टू डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस या फिर रीजंस सॉल्यूशंस आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं. डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है. एंड द टाइप ऑफ टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर इज हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट. तो ये आपको टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं. लेकिन कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो कि फूड एंड एक्सप्लोरेशंस यानी कि स्पेस एक्सप्लोरेशंस के ऊपर आएंगे, तो आपको इनको अच्छे से कवर करना है सो दैट कि आपको अपनी राइटिंग करते टाइम आपको राइटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू वांट टू प्रिपेयर योरसेल्फ बेटर फॉर द एग्जाम, देन काइंडली विजिट टू आवर एकेडमी फॉर द प्रिपरेशन और यू कैन आल्सो कमेंट इट इन कमेंट सेक्शन फॉर एनी डाउट. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम.